नमस्कार, मैं ईशानी मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका खबर एक्सप्रेस में। चलिए देख लेते हैं आज के प्रमुख खबरें। बंगाल में हिंसक हुआ भाजपा का नवन्ना चलो अभियान, आगजनी, तोड़फोड़, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए, कई घायल। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी जलाई, शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लेने से भड़के। सांतरागाछी में जमकर बवाल, पथराव। इधर नवान्न अभियान के लिए भाजपा सांसद सौमित्र खां के नेतृत्व में सांतरागाछी से निकली रैली, लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिस ने रैली को रोक दिया। सांतरागाछी में रुक रुक कर दिन भर पुलिस व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच चला बवाल। पुलिस पर इस दौरान पथराव किए गए तो वही पुलिस की ओर से भी लाठीचार्ज कर दिया गया। पुलिस को लक्ष्य कर कांच की बोतलें, ईंट और बांस चलाए गए। वहीं पुलिस की ओर से टीयर गैस दागने के साथ ही जल कमान भी चलाया गया। दिन भर सांतरागाछी में भारी हंगामा होता रहा। आखिरकार शाम को स्थिति शांत होने पर पुलिस ने सांतरागाछी से बैरिकेड हटाया। एमजी रोड पर पथराव की घटना पर भाजपा की पार्षद मीना देवी पुरोहित घायल हो गई। वहीं भाजपा के नवान्न अभियान को रोकने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने के साथ ही जल कमान चलाए गए। इसके अलावा कई जगहों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। दिलीप घोष बोले, जान गई जनता, भाग गई ममता। चोर धरो जेल भरो बोलछी, खाली चोरों के कथा बोलछी, ताते भय पावार की आछे, कारण टीएमसी सबाई चोर। दीदी के गोली छाड़ते बोलछी ना, एकजन महिला, भद्र महिला, आमरा जानी एटुकु तार मान सम्मान आछे, साधारण मानुषेर विश्वास नाई देखले हयतो चुपचाप 14 तला थेके नेमे हेटे हेटे खाली घाट चले जाबे। जिलों से जुड़ी खबरें। कृषि विपणन एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री बेचाराम मन्ना सड़क हादसे में हुए घायल। आसनसोल एवं बाणपुर कृषि विपणन विभाग के सुफल बांग्ला बाजार के उद्घाटन करने के बाद वापस आते समय वर्धमान के जोग्राम फ्लाईओवर पर दुर्घटना के शिकार हो गए। मंत्री बेचाराम मन्ना इस दुर्घटना में बाल बाल बचे। आज के आसनसोल एवं बाणपुरे हमारे दो सुफल बांग्ला स्टॉल उद्बोधन छिल, से उद्बोधन करे फेरार समय आनुमानिक 4:30 समय दुर्गापुर एक्सप्रेस ओपर बर्धमान जामालपुर थाना एलाका जौग्राम आमार कनभय दिखे गाड़ी ढुके पड़े एवं पाइलट कार तार पिछने मारे एवं तार पिछने आमार गाड़ी छिलो भयंकर भावे क्षतिग्रस्त है एवं आमार साथे जारा छिलो सकले ही आहत होयेछे। जदिओ आमारो अल्प विस्तर लेगे तबे खूब प्राणे बेचे गेलाम आजके अलर्ट थाकार जन्य। देश से जुड़ी खबरें। एम्बुलेंस नहीं मिले तो बुलडोजर से पहुंचाया अस्पताल। कटनी में घायल युवक मदद के लिए गुहार लगाता रहा, दुकानदार ने जान बचाई। मनोरंजन से जुड़ी खबरें। घुटनों पर बैठ राखी ने कर दिया आदिल को शादी के लिए प्रस्तुत, बॉयफ्रेंड ने किया मना तो जमकर हुआ ड्रामा। धर्म से जुड़ी खबरें। पंचमी तिथि को किसका होगा श्राद्ध? पंचमी तिथि का श्राद्ध 14 सितंबर को किया जाएगा। पंचमी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष के पंचमी को हुआ था, साथ ही जिनका देहांत अविवाहित अवस्था में यानी कि शादी से पहले ही हो गया था, उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। पंचमी तिथि के दिन श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्त होती है। और भी विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।